हेलो स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की दूसरी क्लास है। जो पिछली क्लास थी उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लें अगर आपने नहीं देखा है। उस वीडियो में मैंने डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंसेस कैसे करते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने उसमें कई टर्म्स बताए थे आपको। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और फाइनल हमने उस वीडियो का किया था प्रोनाउन टेबल से। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पर हमने प्रोनाउन टेबल बनाई है, साथ में साइड में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक छोटा सा और फार्मूला मैंने लिख रखा है। आज इसी फार्मूले पर हम डिस्कस करेंगे और इसी फार्मूले के बेस पर पहला जो नियम है चेंज ऑफ प्रोनाउन उसको जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। एक बार मैं आपको इस प्रोनाउन टेबल के बारे में फिर से डिस्कस कर दूं। जैसा लास्ट का पहला वीडियो क्लियर नहीं हो पाया था, उसके जो पिक्चर थे वो फैड आ रहे थे वीडियो में, लेकिन मैंने आपको एक पिक्चर बना के भेजी थी जिसमें रिटन फॉर्म में टेबल थी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रोनाउन टेबल में ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में आपके आई और मी आते हैं, इसी का पॉजिटिव केस माई और माइन है, और ऑब्जेक्टिव केस मी है। मैंने उस वीडियो में आपको डिफरेंट बताया था कि ये दो क्यों लिखे गए हैं। इसमें जो इस साइड का लिखा हुआ, यानी जो पहले लिखा हुआ है, वो आपके पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले जाते हैं, और इस तरफ जो लिखा हुआ उसको पॉजिटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और ये टेबल है, इस टेबल में हमें चेंज कैसे करने हैं, उस चेंज करने का जो तरीका है हमें छोटे से फार्मूले से जानना है कि किस तरीके से हम इसमें प्रोनाउन टेबल को चेंज करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है एस ओ एन और उसके नीचे लिखा हुआ 1 2 3। एस ओ एन जो है आपने आर वी लिखा देख रहे हैं, आर वी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है और आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे 1 2 3 और एस ओ एन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने उसकी डिटेल लिखी हुई है। एस सब्जेक्ट से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एन फॉर नो चेंज है, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन है, 2 फॉर सेकंड पर्सन है, और 3 फॉर थर्ड पर्सन है। अब इन्हीं दोनों के सहयोग से, यानी इस प्रोनाउन टेबल और इस छोटे से फार्मूले से हम ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आपको थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, ये टेबल हम खाली प्रोनाउन चेंज पे सीखेंगे, प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, बाकी चेंजेस पे हम फोकस बाद में करेंगे, यानी आगे के वीडियो में देखेंगे कि आगे चेंजेस कैसे होते हैं। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बड़े काम की चीज़ है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी किस तरीके से हम इसमें चेंजेस करेंगे आपको अभी मैं आगे बताता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन टेबल का यूज किस तरीके से करते हैं इस बात को हम बेसिकली इस बात से समझेंगे कि जब हम खाली प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो बाकी चेंजेस पर ध्यान हम नहीं देंगे। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस आपको दूंगा जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि खाली प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं, जिस पर हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ही says to her, I am your friend। एक छोटा सा ये सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में, आप संभवतः समझ गए होंगे कि ये हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। एक चीज खास करके गौर करिएगा, जैसा मैंने कहा कि हम खाली प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे, टेंस चेंज करना नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जहां पर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या तो फ्यूचर टेंस में होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है।
तो परिवर्तन कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी बताया, हम एक फार्मूला अडॉप्ट किए हैं एस ओ एन और 1 2 3। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच से जुड़ा हुआ है, यानी जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हिस्सा आपका यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है। तो परिवर्तन करने के लिए मैं इस साइड में टेबल बना देता हूं, आपको समझा देता हूं किस तरीके से हम करेंगे। मैं आपको सीधे सीधे खाली लिखता हूं आई वी, क्योंकि यहां पर उतनी जगह नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा यहां पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें दो कॉलम है आपके आई और वी, फर्स्ट पर्सन के लिए जिसमें मैं खाली छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको अभी बताई है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। मैं इसमें आपको खाली चेंज करने के लिए, आपकी हेल्प के लिए टेबल बना रहा हूं, इसमें आप देखेंगे किस तरीके से इसको बदला जा सकता है। इसमें आप परेशान होंगे कि इतनी बड़ी टेबल याद कैसे होगी, आपको बता दें पूरी की पूरी टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े से ही आपका काम चल जाएगा। वो कैसे मैं अभी आपको समझाता हूं। देयर और ये देम हो गया और लास्ट में आप इट लिखेंगे, इट्स हो जाएगा और ये इट। अब इस टेबल का हेल्प लेने के बाद हम इसको चेंज करेंगे। आप इसको समझिएगा कि मैंने अभी कहा कि इसको याद करना शायद आपको लगे कि इतना बड़ा टेबल कैसे याद करें। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 21 शब्द हैं इसमें, और 21 शब्द में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर थर्ड पर्सन के नीचे और ऊपर ऑब्जर्व करें आप, तो थर्ड पर्सन नो चेंज है और सबसे ज्यादा थर्ड पर्सन में ही है, यानी कि कुल 12 जो है वो थर्ड पर्सन में है। अगर ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, यानी ये अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मिल रहे हैं तो इसको नहीं बदलना होता है, इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। बदलना क्या होता है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन यानी अगर ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, अगर सेकेंड पर्सन यानी कि ये वाली टेबल अगर आपको मिल रही है तो आपको ऑब्जेक्ट से बदलना होगा। कैसे बदलता है ध्यान देना होता आपको दो चीजों का, कैसे और क्यों, गौर फरमाइएगा। मैं ऊपर लिखे हुए एग्जांपल को यहां चेंज करने जा रहा हूं। ही है, हम ही लिखते हैं। अब थोड़ी सी चीजें और सीख लीजिए, जब आपको क्या क्या मिलेगा तो किस में बदलते हैं। जब आपको सेज टू मिलेगा तो इसे आप टेंस में बदलेंगे, जब आपको से मिलेगा और टू साथ में तो इसे आप टेल में बदलेंगे। अगर ये सेज है, आगे कुछ नहीं है, तो आप इसे एज इट इज रखेंगे, और अगर ये से है तो इसे आप से ही लिखेंगे। तो अगर आप समझ दे पा रहे हो, देख पा रहे हो तो यहां पर लिखा हुआ सेज टू, तो ही के बाद क्या सेज टू को कन्वर्ट किया जाता है टेल्स में, यहां हम लिखते हैं टेल्स। आगे है हर, हर लिख लिया हमने, हमने अगले वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर से रिवाइंड करा दूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अब तक नहीं पहुंचा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहां पर इन दोनों पोर्शन मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर चाहिए, यानी कंजक्शन चाहिए, और ये सेंटेंस जो पीछे आपको दिख रहा रिपोर्टेड स्पीच में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो कनेक्टर यूज किया जाता है स्पीच में या नरेशन में वो दैट होता है। यानी इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के रिमूवल करने के बाद इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए, और क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है हमें दैट कंजक्शन मिलेगा। अब आप इस टेबल का यूज करना सीखेगा, कैसे रिपोर्टेड स्पीच ये सिखाएगी कि किस तरीके से इसको टेबल बदला जाता है। ध्यान अगर आप दें तो यहां पे लिखा हुआ आई, आई अगर आप अपने टेबल को ऑब्जर्व करें तो आई आपको फर्स्ट पर्सन, यानी जब भी आपको प्रोनाउन टेबल का कोई अक्षर दिखे तो आप उससे जुड़ी हुई दो चीजें जरूर देखिए। पहली देखिए कि वो किस पर्सन का है, यानी उसको आपका पर्सन आपको चेक करना होगा,
और ये जरूर देखिए कि वो किस केस का है, तो पता चला इस सब्जेक्टिव केस का है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे, सब्जेक्टिव केस का है और फर्स्ट पर्सन का है तो कैसे इसको चेंज करें। अब आप यहां पर आइए, फर्स्ट पर्सन का है तो किससे बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका देखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, क्या सब्जेक्ट मिला ही, यानी यहां पर आई का रिलेशन किससे दिख रहा है, ही का, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, यहां फर्स्ट पर्सन मिला, फर्स्ट पर्सन से ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और इस सब्जेक्ट कहां मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता रखी हैं, आप लिंक पे जाकर के उसे जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट मिला ही, अब इस ही को आप अपने टेबल में चेक करेंगे कहां पर है, तो आप देखिए आपको पहले मिला था आई, यानी यहां से आपको मिला आई और इसके भरोसे आपने खोजा ही को, यानी यहां पर रहा आपका ही। और अगर अब आप देखें तो आई और ही दोनों एक ही केस के हैं, आई भी सब्जेक्टिव केस में है और ही भी आपका सब्जेक्टिव केस में है, यानी दोनों एक ही रेखा में, एक ही सीन में, मतलब एक ही केस में है, तो आप पहले वाले को बाद वाले से, यानी आई किस में बदल जाएगा, ही में। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, ही। अब आई के साथ तो एम लगता है, क्या ही के साथ भी एम लग सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ही सिंगुलर नंबर है, और क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए सिंगुलर नंबर में होने की वजह से टेंस भी वही रखना पड़ेगा, तो वर्ब मिलेगी इज। अब आगे बढ़े तो अगला देखिए, प्रोनाउन मिला योर, योर आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर है योर। अब इस योर के बारे में फिर मैं वही दो बात कहूंगा कि किस पर्सन का है और किस केस का है। अगर आप इसके पर्सन की टेबल की तरफ आए तो आपको पता चला कि सेकंड पर्सन का है, और अगर मैं केस पूछूं तो आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव केस का है। तो पहले हम केस की बात करते हैं, तो केस सेकंड है, सॉरी पर्सन सेकंड है, सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, यानी ओ से, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ये हर ऑब्जेक्ट है। अब हर कहां आप देख सकते हैं, हर हमारे पास दो है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, हमें कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा हर ले, ये वाला ले या ये वाला ले, तो ये ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो हम कौन सा लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस वाला लेंगे, यानी ये वाला हर हमको यूज करना है। ठीक है, ये वाला हर क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का है और हमने जैसा कहा कि ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं ये वाला तो सीधे सीधे मिल गया है तो तिरछा जा रहा है, कोई बात नहीं, जो पहले मिला है यानी पॉजिटिव केस में योर मिला है आपको, और उसको बदलना किससे, उसके सीधे सीध में आइए, आपको फिर से क्या मिला, हर, यहां पर ही मिला हर। आगे फिर नाउन है, फ्रेंड नाउन नहीं बदले जाते, ये प्रोनाउन टेबल है, इसको हम इस तरीके से बदल सकते हैं। फिर से मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, उस पर बात करते हैं कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। फिर से मैं इसी इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस के साथ, और इसको फिर से बदलने की कोशिश करता हूं, शायद आपका जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर मैं लिखता हूं सी, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहां लिखूं यू आर माई फ्रेंड। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, अगर इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो यहां पे सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं इसको, तो चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सी सेज टू यहां पर आया है, सेज टू को बदल सकते हैं हम टेल्स में, या फिर हम टेल्स लिखते हैं, फिर यहां पर आगे मी है, मी लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमें कंजक्शन दैट इस्तेमाल करना है, दैट हमने लगा लिया। अब बात फिर से देखिए प्रोनाउन की आई यू, हम जब चेक करते हैं यू और यू, फिर दो यू हैं, फिर कंफ्यूजन होगी कौन सा यू,
तो जैसा कि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्टिव केस का लेंगे, तो फिर दो सूचनाएं मिली, ये सब्जेक्टिव केस और सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किससे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यानी ये जो यू है ये बदलेगा किससे? मी से। अब दोनों की केस अलग है, ये सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आप इसको करेंगे क्या, जो पहले मिलता है दूसरे वाले को उसी केस में देखते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस में है लेकिन दूसरा जो मिला वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम इस दूसरे वाले को सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या मिलेगा? आई। तो हम यहां लिखेंगे आई। टेंस नहीं बदलना है, आई के साथ आर लगता नहीं, आई के साथ स्पेशल इसकी हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब है एम। अब बात आगे करते हैं माई। माई को अगर टेबल में ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन बदलता किससे? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है? शी। यानी आपको इस माई से कौन मिला? शी मिला। माई से कौन मिला? शी मिला। पहले ये मिला यानी पहले पॉजिटिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो हमने अभी कहा आपको कि जो पहले मिला होता है दूसरे वाले को उसी केस में ले जाते हैं, यानी शी का पॉजिटिव केस क्या मिलेगा? हर। तो हम यहां लिखेंगे हर फ्रेंड। इस तरीके से देखिए ये डी बदल गया, ठीक है, इस तरीके से ये बदल गया। अब मैं इसी पर बेस्ड कुछ होमवर्क अभी आपको लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पे, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये होमवर्क है जैसा मैंने आपको नोट में लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसके नीचे पांच सेंटेंसेस लिखे गए हैं। जिनको भी ये सोल्यूशन आ रहा हो उस सोल्यूशन को मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।